रतलाम के प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर की तरह इंदौर में दीपोत्सव पर्व पर रणजीत बाबा के दरबार को नोटों से सजाया गया। खास बात यह है कि रणजीत बाबा के भक्त खुद अपनी मर्जी से अपनी हैसियत के मुताबिक नोट लेकर दीपोत्सव के एक दिन पहले दरबार में पहुंचे थे। देखिए ये रिपोर्ट। दीपावली के दिन रणजीत हनुमान मंदिर में रणजीत बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया था। यही नहीं, यहां रतलाम के प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर की तरह करीब 20 लाख रुपयों से गर्भगृह को सजाया गया था। रणजीत बाबा के भक्त अपनी स्वेच्छा से रणजीत बाबा का दरबार सजाने के लिए नोट लेकर गए थे। नोटों का यह विशेष श्रृंगार दीपावली के दिन दिन भर मंदिर में पहुंचने वाले भक्तों को देखने को मिला। पुजारी ने बताया कि दीपावली के लिए रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक आकर्षक श्रृंगार किया गया। विगत 3 वर्षों से बाबा के दरबार में जनजीत भक्त मंडल के द्वारा नोटों का श्रृंगार किया जा रहा है, किंतु इस बार पहली बार 11 लाख रुपए के नोटों का यहां पर बाबा के दरबार में भव्य बंगला बनाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, उन्हीं से हम लोगों ने जो यहां पे फूल मालाएं बनाई गई है और अन्य डेकोरेशन का सामान बनाया गया है। साथ ही बाबा की जो पोशाक है वो भी स्वर्ण और जस से मंडित पोशाक यहाँ पर धारण बाबा को कराई गई है। साथ ही राम दरबार में राज सिंहासन का निर्माण किया गया है और जो अम्बे माता का मंदिर है तो अम्बे माता की प्रतिमा को महालक्ष्मी का स्वरूप यहाँ पर प्रदान किया गया है। मुख्य विशेषता आज की ये है कि यहाँ जितने भी भक्त यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं उन सभी को रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हेतु बरकत का सिक्का प्रत्येक भक्त को यहाँ से निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। भक्त मंडल की तरफ से 11 लाख रुपए के नोटों का लक्ष्य यहाँ पर निर्धारित किया गया था, किंतु अनेक भक्तों ने अति उत्साह इसमें दिखाया है और लगभग 20 से 22 लाख रुपए के नोट यहाँ पर बाबा के समक्ष रखे गए हैं और यही नोट जो भक्तों ने दिए हैं रात्रि को उन्हें वापस प्रदान कर दिए जाएंगे। सुरक्षा हेतु हमारे भक्त मंडल के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं, साथ ही सुरक्षा गार्डों की व्यवस्था लगाई गई है और सीसीटीवी कैमरे भी यहाँ पर लगाए गए हैं। नोटों का श्रृंगार देखने के लिए दीपावली के दिन सुबह से देर रात तक भक्तों ने पहुंचकर रणजीत बाबा का आशीर्वाद दिया। मंदिर को नोटों से सजाने के लिए भक्तों द्वारा दिए गए नोट दीपावली के अगले दिन भक्तों को वापस लौटा दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।